हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं ये फाइकस का वैरायटी है। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करूंगा और साथ ही साथ इसकी जो ट्रंक है आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको कैसे बड़ा करना है इसका तरीका मैं शेयर करूंगा। देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो चुका है। इसकी ट्रंक को आप देख सकते हैं, इसको मैंने वायरिंग से ये वाला सेप लेके आया हूँ। तो अभी हम सबसे पहले इसको रिपोर्ट करेंगे। देख सकते हैं इसका रूट इधर भी निकल चुका था इसके वेर्नियर सोल से। तो अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो गाइस चलिए सबसे पहले इसको हम घर से निकाल लेते हैं। तो मैं ये चाकू का इस्तेमाल करूँगा यूज करने के लिए, ताकि ऐसे ऐसे पोर्स निकल आए। बस हम देख सकते हैं फाइनली मैंने रूट को वॉश कर दिया है। अभी हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। बस फाइनली अभी इसका रूट प्रूनिंग करेंगे। तो देख रहे हैं
चलो दोस्तों, तो अभी हम इसको वापस इसी पॉट में लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने नीचे देख सकते हैं ये छोटा पत्थर ग्रेबल बिछा लिया है ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से हो। उसके बाद हम इसमें सोयल डालेंगे। फिलहाल तो मैं इसमें नॉर्मल सोयल ही डालूँगा जो मैंने इसमें 50% गार्डन सोयल लिया है और 25% वो बजरी छोटा पत्थर और ये और छोटा पत्थर और रेत, और मैंने इसमें 25% कंपोस्ट डाला है। तो इसमें हम इसको लगाएंगे ताकि इसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। सेंटर में बिछाना है तो हम लोग इसको इस तरह से बिछाएंगे ताकि इसकी रूट अच्छे से फैल जाए। और हमें कोई परेशानी ना हो। इस तरह से लगाएंगे।